हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू फूड प्रोडक्शन। तो गाइस, आज हम बनाएंगे वेज पुलाव। तो बहुत ही आसान तरीका है, कोई झंझट नहीं है। तो चलिए करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। तो वेज पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे तेल, तो 2 चम्मच करी हम डाल लेंगे, 2 या 3 चम्मच करी हम डाल लेंगे तेल, और इसको होने देते हैं थोड़ा सा गरम। तो तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच करीब जीरा, और इसके साथ ही हम डाल लेंगे इसमें हींग, थोड़ी सी हींग। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे एक मीडियम साइज कटा हुआ प्याज, प्याज को मैंने रफली चॉप किया है, और इसको हम थोड़ी देर भूनने देंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो प्याज का कलर चेंज होने लग गया है, और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप तीखा पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, एक मीडियम साइज टमाटर लिया है मैंने, और इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी कटोरी ये मटर, और इसको हम अच्छे से मिला देते हैं, और इसको हम अब 1-2 मिनट ऐसी लो फ्लेम में भुनने रखेंगे। तो 1-2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं चावल। तो मैंने कम से कम एक मीडियम साइज कटोरी ली है चावल की, और उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो एक मीडियम साइज कटोरी चावल 2 बंदों के लिए काफी है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच करीब धनिया पाउडर, और चाहे तो इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा गरम मसाला, इसको भी स्किप कर सकते हैं अगर नहीं चाहिए तो, और नमक स्वाद अनुसार। और इसको हम मिला देते हैं अच्छे से, और जैसे कि मैंने इसमें मटर ऐड करी थी, आप चाहें तो इसमें कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। चाहे तो इसमें आप न्यूट्री चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आलू भी ऐड कर सकते हैं। मुझे आलू ज़्यादा पसंद नहीं लगते हैं पुलाव में, इसलिए मैंने आलू नहीं डाले हैं। और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करते हैं, जिससे मसाले अच्छे से हमारे मिल जाएं। लगभग 1-2 मिनट हम इसको ऐसी लो फ्लेम में थोड़ी देर भुनने देते हैं। तो 1-2 मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम ऐड करते हैं पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया इसमें तो आपका पुलाव गीला सा हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें देखकर पानी डालना है। तो थोड़ा सा पानी हम और ऐड करते हैं, बस इतने पानी में आपका पुलाव अच्छे से पक जाएगा। और अब हम इसमें लगाते हैं सीटी। तो लगभग 3 सीटी में हमारा पुलाव पक जाएगा। तो लीजिए, 2-3 सीटी के बाद हमारा वेज पुलाव हो चुका है तैयार। और अब हम इसमें करते हैं
धनिया से थोड़ी सी गार्निश। अगर आपको धनिया नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, वैसे धनिया डालने से खाने की खूबसूरती और बढ़ जाती है और टेस्ट भी काफ़ी इसका इन्हेंस हो जाता है। तो लीजिए, हो चुका है हमारा वेज पुलाव तैयार और अब हम इसको करते हैं सर्व। तो लीजिए, हो गया हमारा वेज पुलाव तैयार बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप भी अपने घर में बनाइए और कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आपको कैसे लगी। तो इसी के साथ कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।